कैटलॉग प्रोडक्ट सर्च माय ऑफरिंग, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा जो भी प्रोडक्ट हमारे पब्लिश्ड है वो मुझे यहाँ पे दिखना चालू हो जाएगा। जैसे अभी स्टील ट्यूब्स बराबर है, अभी मुझे लगा कि ये प्रोडक्ट मुझे बेचना नहीं है, है ना, तो इसको मैं एक्शन है यहाँ पे इसको एडिट के ऊपर क्लिक करूंगा। यहाँ पे एडिट के ऊपर क्लिक किया तो ये पूरे डिटेल्स मुझे शो कर लेता है पहला, जो मेरा इसका स्पेसिफिकेशन, पर इसको मैं चेंजेस नहीं कर सकता, है ना। सिर्फ मैं इसका चेंज कहाँ कर सकता हूँ, ऑफरिंग क्वांटिटी एंड प्राइस, ये वाला जो पार्ट है इसमें ही चेंज हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पेयर किया है, पेयर किया या नया प्रोडक्ट डाला, सभी रीजन पे हम खाली इसको ही चेंजेस कर सकते हैं। ऐसे कंडीशंस में हमारे पास यदि स्टॉक, दो ऑप्शंस अवेलेबल है, एक तो करंट स्टॉक है, ये जो करंट स्टॉक है हम इसको यदि जीरो कर देंगे ऑटोमेटिकली ये प्रोडक्ट हमारा प्रोफाइल में नहीं दिखेगा, तो ये टेम्पररी नहीं दिखेगा जब तक हम इसको स्टॉक बढ़ा नहीं देंगे। मतलब ये प्रोडक्ट हम यदि इन फ्यूचर चाहें जो मुझे बेचना है तो हम इसका स्टॉक फिर से जितना स्टॉक डालना है डाल देंगे 1000, मेरा स्टॉक फिर से ये मेरा प्रोडक्ट पब्लिश होना चालू हो जाएगा। ये हो गया पहला प्रोसीजर, ठीक है जी। और दूसरा है कि मुझे अभी इन फ्यूचर ये प्रोडक्ट बेचना ही नहीं है, कभी भी नहीं बेचना, तो हम इसको आई वुड लाइक टू डिसकंटिन्यू सेलिंग प्रोडक्ट यहाँ पे क्लिक कर देंगे। इससे क्या है कि ये प्रोडक्ट हम कभी भी इन फ्यूचर कभी भी नहीं बेच सकते। मतलब आपको लगा एक बार आपने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया और एक साल के बाद या कभी भी दो दिन के बाद पांच दिन के बाद फिर से आपको लगा कि ये प्रोडक्ट मुझे फिर से बेचना है तो आप ये वाला प्रोडक्ट फिर से और कभी भी नहीं बेच सकते। जी क्लियर है, बिल्कुल बिल्कुल सर। सर इसी में थोड़ा सा और ऊपर आए सर। हाँ बोलिए, मैं फिलहाल इसको स्लाइड जो जीएसटी के रिलेवेंट होता है ये, इसलिए इसको मैंडेटरी नहीं रखा है। आपके पास है तो आप दे सकते हो, नहीं है तो मैंडेटरी नहीं, मैं छोड़ दिया हूँ। देखो मैंडेटरी नहीं, मतलब इस पे हमें ध्यान नहीं देना सर, नहीं देना। हाँ यदि आपके पास है प्रॉपर तो डाल सकते हो, पर नहीं डालेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। डू यू वांट टू डिक्लेयर लोकल कंटेंट एज पर PPMII मेक इन इंडिया, इसको बोलते हैं MII, मेक इन इंडिया। आपका जो प्रोडक्ट है ये मेक इन इंडिया के तहत है क्या? यदि ये प्रोडक्ट मेक इन इंडिया के तहत है, यदि ये प्रोडक्ट मेक इन इंडिया के तहत है तो मेक इन इंडिया में कितना परसेंट है? तो हमने इसको जैसे यस किया तो जब ये प्रोडक्ट फर्स्ट टाइम किसी ने पब्लिश किया तो ऑटोमेटिकली परसेंटेज ले लिया। मेक इन इंडिया का एक नॉर्मल मतलब क्या होता है, इसके पे लगने वाला रॉ मटेरियल इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है क्या, और यदि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो कितना परसेंट मैन्युफैक्चरिंग इसका रॉ मटेरियल का मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे परसेंटेज डिसाइड करते हैं। और ये परसेंटेज का फिगर कहां से मिलेगा? जो मैन्युफैक्चरर है, ये कंपनी कौन से ब्रांड का है, ये ब्रांड आपको बताएगा कि इसका मेक इन इंडिया के तहत कितना है। GSF ये ब्रांड आपको बताएगा जो आपका ये मेक इन इंडिया का परसेंटेज कितना है। थैंक यू सर। क्लियर है? यस सर, बिल्कुल सर। हेलो हेलो, हाँ सर, हेलो, ले रहा हूँ एक मिनट। अजय सर बोलिए। सर ये मुझे जैसे प्राइस बढ़ानी हो उसके लिए बस पूछना है सर। हाँ, प्राइस आपको यहाँ से इंक्रीज करना है, हम यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं। नहीं नहीं, ऊपर वाली में सर, ऊपर वाली सर। ये तो MRP है। हाँ MRP यही सर। MRP के लिए आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट MRP चेंज का ऑप्शन है, आप यहाँ से MRP का रिक्वेस्ट दे सकते हो, पर इसके लिए आपको MRP के डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। MRP यदि आप लग रहा है ये आप इसका कम भी कर सकते हो, ज्यादा भी कर सकते हो। नहीं आपको लग रहा है कि 2000, मेरा पहले कंसर्न क्लियर होने दीजिए पूरा, फिर आप बोलिए। 2000 रुपया आपको लग रहा है कि मुझे MRP इसका भी बढ़ गया है, पहले मार्केट में इसका प्राइस कम था, अभी इस प्रोडक्ट का MRP बढ़ चुका है, तो आपको इसके लिए डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। आपको बताना पड़ेगा जेम को जिस प्रोडक्ट का MRP 2000 हो गया है, तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा जेम को, और जेम इसके ऊपर वेरीफाई करेगा कि सच में इस प्रोडक्ट का MRP 2000 हो गया है, तो ही ये प्रोडक्ट 2000 रुपया रेट पे आएगा।
उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, तो प्रोडक्ट का ब्राउचर दे सकते हो, गवर्नमेंट का ऑर्डर कॉपी दे सकते हो, जीएसटी इनवॉइस, यहाँ पे सेल्स नहीं बाय इनवॉइस, जो आप परचेज इनवॉइस बोलते हो, इम्पोर्ट कोई डॉक्यूमेंट जिससे ये पता चले कि इसका एमआरपी इतना हुआ है, एमआरपी डिक्लेरेशन ऑन ओएम लेटर हेड, ओएम यदि अपने लेटर हेड पे लिख के दे देता है, जो मैन्युफैक्चरर है जिसका प्राइस 2000 है तो भी चलेगा, या पैकेजिंग का फोटो जिसमें एमआरपी होना चाहिए। सर ये जीएसटी इनवॉइस मतलब दुकान वाले से लेके करना है क्या? हाँ, जिससे आप परचेज कर रहे हो, परचेज इनवॉइस, ठीक है, और उसमें इनवॉइस में एमआरपी होना चाहिए, इनवॉइस में, ओके सर, तभी वो काम करेगा। ठीक सर। अच्छा दूसरा सर, ये एड स्लैब का मीनिंग समझ में नहीं आता सर कभी भी। स्लैब अभी बताया नहीं हूँ सर, मैं आगे की क्लास में स्लैब बताता हूँ। हिमांशु सर। सर नमस्ते, गुड इवनिंग। नमस्कार, गुड इवनिंग सर। सर एक सेकंड नीचे जाइए ना, एकदम नीचे जाइए, यहाँ पे नीचे जाऊँ? हाँ यहाँ पे नीचे जाइए। बोलिए सर। यस सर, जहाँ आपने स्टॉक का ये जीरो करने के लिए बताया, ठीक है, आई वुड लाइक टू डिसकंटिन्यू सेलिंग दिस प्रोडक्ट ऑन जेम। ये आपने बताया कि आपको अगर बेचना ही नहीं है ये, हाँ, इन फ्यूचर कभी भी आप नहीं बेच पाएंगे यदि आपने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया तो। हाँ, तो अगर मान लीजिए हमें वापस से इसको लाना रहा तो होगा? नहीं, यदि आपने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया तो यही वाला प्रोडक्ट, सेम ब्रांड का यही सेम प्रोडक्ट आप कभी भी इन फ्यूचर कभी नहीं बेच पाएंगे। बट सेकेंडरी ब्रांड होगा तो उसका बेच सकते हैं कि वो भी? हाँ, दूसरा कोई ब्रांड का सेम स्पेसिफिकेशन का बेच सकते हो, पर यही वाला प्रोडक्ट नहीं बेच पाएंगे। चलेगा चलेगा सर, नो इशू, थैंक यू सर। अंकित, थोड़ा अंकित सर, आदित्य सर, एक मिनट सर, पहले क्वेरी होने दीजिए प्लीज, आपको जिसको जो भी पूछना है म्यूट हैंड रेज। अंकित सर, अंकित सर, ठीक है, साहिल सर, साहिल सर, हाँ हेलो, हाँ बोलिए। मतलब ये प्रोडक्ट समझो, मतलब ये ब्रांड का डिसकंटिन्यू कर लेंगे, लेकिन अगर दूसरा ब्रांड हुआ या प्रोडक्ट में थोड़ा चेंज करते हैं तो फिर उसको कर सकते सेम प्रोडक्ट, मतलब इसका एक प्रोडक्ट का देखो आईडी होता है सर, आप हर एक प्रोडक्ट का देखेंगे ना, हर एक प्रोडक्ट का एक आईडी होता है, कहाँ से पता चलेगा? सर्च माय ऑफरिंग, मैं आपको दिखाता हूँ, हर एक प्रोडक्ट का एक प्रोडक्ट आईडी होता है, ये प्रोडक्ट आईडी और फिर आप कभी यूज नहीं होगा, सेम ब्रांड का सेम प्रोडक्ट आप यही वाला प्रोडक्ट कभी यूज नहीं कर पाएंगे, दूसरा ब्रांड का सेम स्पेसिफिकेशन का प्रोडक्ट यूज कर सकते हो, या यही ब्रांड का अलग स्पेसिफिकेशन थोड़ा भी चेंज करके आप प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हो या उसको पेयर कर सकते हो। यानी सेम चीज बेचते हैं तो प्रोडक्ट आईडी थोड़ा इधर से उधर होना चाहिए। हाँ, प्रोडक्ट आईडी अलग होना चाहिए। ओके, थैंक यू। पोसंजित सर, पोसंजित रॉय, हेलो, हाँ बोलिए सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सर मैं कुछ, मेरा जो रजिस्टर्ड जेम है मैं उसमें कुछ काम कर रहा था, तो जैसे कि मैं एक माउस देख रहा था तो हाँ। उसको पेयरिंग करने के लिए, तो वो कोई कैटेगरी नॉट अवेलेबल ऐसा मैसेज आ रहा था, क्यों? कैटेगरी वो देखो सर, कुछ जेम में देखो रेगुलर अपडेट है। अच्छा, कुछ कैटेगरी उसको जेम मर्ज कर रहा है। कैसा हुआ था पहले का आप अभी बताता हूँ इसके लिए। पहले क्या था, कैटेगरी हम क्रिएट कर सकते थे, सेलर को दिया था परमिशन पहले जब जेम पहला आया था, तो कैटेगरी क्रिएट करने का काम सेलर को दे दिया था। तो हम क्या करते थे, माउस का एक कैटेगरी अवेलेबल है पहले से, मान लीजिए अभी मुझे नहीं मिला तो मैंने माउस का दूसरा नाम से एक कैटेगरी तैयार कर दिया। सही है। तो धीरे धीरे जेम इसको मैनेज कर रहा है, प्रॉपर सिस्टमेटिक बना रहा है, और इसलिए जो भी ऐसे कैटेगरीज हैं उसको धीरे धीरे निकाल रहा है और एक ही कैटेगरी में सीमित कर रहा है, कैटेगरीज को कम कर रहे हैं। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे सर, कौन सा कैटेगरी में जाना है? आपको माउस बोल के सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे कैटेगरी, आपको उसके रिगार्डिंग कैटेगरीज मिल जाएगा। अब जैसे आप यहाँ पे करते हैं, अभी आपको माउस का देखना है तो माउस बोल के सर्च कर दीजिए। देखो माउस पैड, माउस कॉम्बो, माउस ट्रैप बोल के आ रहा है। आपको लग रहा है कि माउस बोल के कोई भी कैटेगरी नहीं दिख रहा है आपको, इसमें से समझ में नहीं आ रहा है? नहीं, ये आता है सर। मैं आपको पहले मेरा पूरा क्लियर होने दीजिए, मैंने बार बार बताया, मैं बोलना छोड़ू तब बताइए, है ना? ठीक है। अभी मुझे लगा कि एक तो माउस में यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंगली कैटेगरी नहीं मिल रहा है, या तो यदि कैटेगरी मिल रहा है तो हम डायरेक्ट जैसे कंप्यूटर माउस और ट्रैक बॉल्स बोल के मुझे लग रहा है तो हम इसको टिक कर सकते हैं, तो डायरेक्ट ये कैटेगरी खुल जाएगा। यदि आपको लग रहा है कि नहीं मुझे कैटेगरी नहीं मिल रहा है,
अब लग रहा है कि माउस है, माउस बोल के, और यहाँ पे विदाउट सेलेक्ट करके डायरेक्ट यहाँ पे सर्च मार। अभी देखो आपको माउस बोल के दिखना चालू हो गया और यहाँ पे आपको सजेस्ट भी करेगा उसके रिगार्डिंग कैटेगरी। दूसरा तरीका है कि आपको यहाँ पे पिक्चर डिस्प्ले हो जाए। अब पिक्चर से मुझे क्लियर हो जा रहा है कि ये माउस का प्रोडक्ट है, सही है सर। तो हम कोई भी एक प्रोडक्ट पे क्लिक कर देंगे, दिस कैटेगरी इज नॉट अवेलेबल। ओके, ये कैटेगरी नहीं है, मतलब ये कैटेगरी अभी जेम यहाँ से निकाल दिया गया है, तो उसके रिगार्डिंग अभी दूसरा कोई कैटेगरी बना दिया होगा। देखो जेम कहीं पर किसी कैटेगरी में शिफ्ट कर दिया होगा, इसीलिए बोल रहा था सर मैं। हाँ ठीक है, देखो आपको कहीं ना कहीं कोई कैटेगरी में शिफ्ट कर दिया होगा। हाँ सर, बस बाकी कुछ नहीं, अपने को माउस ये कौन से कैटेगरी से है, माउस कंप्यूटर माउस और या कीबोर्ड एंड माउस कॉम्बो में साइज शिफ्ट कर दिया होगा सर। देखो अभी शायद खाली ये कॉम्बो में अवेलेबल करवा दिया है। हाँ सर, हो सकता है। तो ये कैटेगरी अवेलेबल है और सिर्फ माउस का कैटेगरी अभी निकाल दिया है तो आपको नहीं मिलेगा, पर भी देखते हैं माउस एंड ट्रैक बॉल्स कॉम्बो का आपको ये कैटेगरी मिल जाता है। और ये कंप्यूटर माउस और ट्रैक बॉल्स, अभी ये देखो ये कौन सा कैटेगरी, नहीं ये कैटेगरी भी बंद कर दिया है। शायद पहले जो आप प्रोडक्ट था यही कैटेगरी में था, ये कैटेगरी अभी बंद कर दिया और अभी आपको कीबोर्ड एंड माउस का कॉम्बो का ही कैटेगरी अभी आपको अवेलेबल कर दिया। सही है सर, धीरे धीरे इसको बराबर से मैनेज कर रहा है जेम और कुछ भी नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अभी देखो जिसके अकॉर्डिंगली जो प्रोडक्ट है जेम, हम जेम के अकॉर्डिंगली, हम जेम को अपने अकॉर्डिंगली नहीं चला सकते। सही है सर, हमको जेम के अकॉर्डिंगली चलना है, ये आपको पहला तो एकदम क्लियर लुक से बैठाना पड़ेगा, है ना। सही बात है सर। ऐसा नहीं है कि कोई भी कैटेगरी यदि निकाल दिया है तो उसका अल्टरनेट नहीं है, अल्टरनेट होगा। हाँ, हो सकता है कि थोड़ा टाइम लगे उसको अपडेट होने में, थोड़ा टाइम लग जाए इतना हो सकता है, पर आपको अपडेट मिलेगा ये गारंटी है, है ना। सही हाँ सर। चलिए नेक्स्ट क्वेरी ले लेता हूँ, अर्नोवा टेक्नोलॉजी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मेरा एक इंसिडेंट को रिलेटेड क्वेरी था। बोलिए सर। एक्चुअली हमारी जो फर्म है, एक बायर ने मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से सीवियर कैटेगरी में इंसिडेंट डाल दिया और वो 60 डेज के लिए हमारा पोर्टल ब्लॉक हो गया। पोर्टल ब्लॉक हो गया, बराबर है जी। तो उसका अब कोई चांसेस नहीं है? कोई चांस नहीं है सर। आप जेम उनको रिप्लाई कर सकते हो, जब आपको आएगा ना इंसिडेंट, इंसिडेंट मैनेजमेंट में जाने का, यहाँ से देखो यहाँ पे सर रिप्लाई भी काफी कर लिया। हाँ, तो यहाँ से आप एक रिप्लाई उनको जरूर दे सकते हो। देखो ऑल में आता है तो 8 इंसिडेंट मेरे पे रिप्लाई, तो आप यहाँ से जाके उनको क्लोज हो गया है, ओपन रहेगा तो इसके ऊपर जाके आप उनको रिप्लाई जरूर दे सकते हो। रिप्लाई देने के बाद जेम को लगा कि ये रिप्लाई सच में प्रॉपर है और ये परफेक्ट है तो आपका अकाउंट खोल सकता है, पर चांसेस बहुत ही कम है। अच्छा, तो मतलब 60 डेज के लिए बिजनेस स्टॉप हो जाएगा। बिजनेस स्टॉप हो जाएगा, कोई और तरीका नहीं है कि हम? कोई भी तरीका नहीं। अच्छा। आपके अगेंस्ट में कंप्लेन हुआ है, इंसिडेंट मतलब कंप्लेन, इन शॉर्ट यदि हम लोग लोकल लैंग्वेज में बात करेंगे तो कंप्लेन जब तक रिमूव करने के लिए प्रॉपर चाहिए, वो आगे वाला पार्टी सेटिस्फाइड होना चाहिए कि आपने सच में सही होने के बाद आपसे गलती हुई। नहीं सर, उन्होंने इंसिडेंट क्लोज कर दिया जो बायर है ना, लेकिन हाँ, फिर भी कोई सलूशन जेम को नहीं लग रहा है ना सर। अच्छा, ये जेम के ऊपर है, पहले ये बायर के ऊपर था, अभी ये बायर के ऊपर नहीं है, अभी जेम के ऊपर आ गया है। अभी ये पूरा इंसिडेंट मैनेजमेंट जेम हैंडल कर रही है। नहीं, हमने एक्चुअली म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बायर ने भी बोल दिया था। म्यूचुअल वही बोल रहा हूँ सर, पहले ये प्रोसीजर था। अच्छा, अभी ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का प्रोसीजर खत्म हो चुका क्योंकि अभी ये हैंडल बायर नहीं कर रहा है, अभी ये जेम इसको लुकआउट कर रहा है, इसके वजह से इसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। हम अपने प्रोडक्ट अब कहीं और भी नहीं डाल सकते, कहीं भी नहीं डाल सकते, आपका एकदम अकाउंट क्लोज है। मैंने कल भी एक प्रोफाइल देखो निकाल के दिखाया था, 32 के लिए उनका अकाउंट ब्लॉक है। हाँ, दिखा था। तो मैंने उनको रिप्लाई किया है, अभी उनको लगा कि सच में ये प्रॉपर लग रहा है तो शायद मेरा खोले, पर चांसेस बहुत ही कम। हाँ, क्योंकि एक्चुअली हमारा जो जैम एडमिन है वो भी रिप्लाई हाँ, नहीं कर रहा है। अब काफी हम 4-5 हाँ, रिप्लाई कर चुके हैं, वो रिप्लाई बोला एक बार कंप्लेन होने के बाद
अभी 100 में से 1% चांसेस है कि आपका अकाउंट खुल जाए। तो इसीलिए कभी भी जेम पे गलती मत करो। जेम में इंसिडेंट का प्रॉब्लम खाली एक ही टाइम सबसे ज्यादा आता है कि आप डायरेक्ट परचेज आपको जब ऑर्डर मिले तो उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर दो, 72 आवर्स का टाइम मिलता है, बस उतना बचो। बाकी आपको ज्यादातर आपका बाकी दूसरे कोई वजह से अकाउंट क्लोज नहीं होता। ठीक है, पवन सर। सर एक तो ये पूछना था सर कि जो हमने कल जो ट्रेडिंग की थी उसकी वजह से हमने 5-6 प्रोडक्ट अपने ऐड किए हैं, शेयर किए हैं। क्या कहते हैं? कल जो हमने ट्रेडिंग की थी सर, उसके बाद हमने जो है 5-6 प्रोडक्ट ऐड करे हैं, पेयर किए हैं। हाँ 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 हाँ। तो सर मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे हमने कैटलॉग में गए, प्रोडक्ट में गए, माई ऑफरिंग में गए, वहां तो प्रोडक्ट दिख रहे हैं कि पब्लिश हो रहे हैं। हाँ। लेकिन इसके अलावा सर कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे प्रोडक्ट वहाँ दिख रहे हैं? हाँ, तो कैटलॉग में जाओ, प्रोडक्ट में जाओ, सर्च माई ऑफरिंग में, आपको पता चल जाएगा ना यहाँ से। हाँ नहीं, वो तो पता, यहाँ तो पता चल रहा है। हाँ, लेकिन जैसे सर अमेज़न में दिखाई देते हैं सारे प्रोडक्ट, वो हाँ, तो आप मार्केट में सर्च कर लो फिर। अच्छा, मार्केट में है ना अवेलेबल। अभी जैसे मुझे मेरा प्रोडक्ट पता है, बराबर है, ये कौन से कैटेगरी में है, स्टील ट्यूब्स के कैटेगरी में, बराबर है, और ये है स्टील ट्यूब्स में। देखो मेरा प्रोडक्ट मुझे ढूंढना है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। ये मेरा प्रोडक्ट है, अभी मुझे चाहिए स्टील ट्यूब्स, तो किस कैटेगरी में से बिलोंग करता है ये स्टील ट्यूब्स। मार्केट में जाओ, तो यहाँ पे आप सर्च कर लो आपका प्रोडक्ट स्टील ट्यूब्स बोल के, पहले कैटेगरी डाल दो, स्टील ट्यूब्स का कैटेगरी आएगा, स्टील ट्यूब्स हो गया। अभी यहाँ पे आप पहले ब्रांड चूज कर दो, मेरा GSF ब्रांड का है, तो उससे प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। GSF, अब GSF में एक ही प्रोडक्ट है, देखो मेरा डायरेक्ट मेरा प्रोडक्ट दिख जाएगा, देखो 67.99 में है ये वाला प्रोडक्ट है, दिख रहा है। यदि आपको नहीं मिल रहा है ब्रांड, अभी ज्यादा प्रोडक्ट दिखा, तो इसके ऊपर क्लिक करो और यहाँ पे उसका स्पेसिफिकेशन से फिल्टर मार दो। ठीक है, अच्छा। दूसरा सर ये था कि मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे कुछ प्रोडक्ट हमारे, कुछ कंपनी हमारे पास, हम ऑथराइज डीलर हैं उनके, तो वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास कैटलॉग आईडी है, प्रोडक्ट आईडी है, तो क्या उससे भी प्रोडक्ट ऐड हो सकता है? कैटलॉग आईडी है, प्रोडक्ट आईडी है, तो आपको आपको देखना पड़ेगा सर, ऐड तो हो सकता है। या फिर जैसे ये लिंक है डायरेक्ट, उससे बेस्ट प्रोसेस है कि आप ये लिंक मंगा लो, ये जो लिंक है, अब ये लिंक मैं आपको भेज देता हूँ, देखो जैसे मैंने इसको लिंक भेज दिया आपको, आपको ये आप अपने कहीं पर भी मोबाइल पे खोलो, लैपटॉप में खोलो, कहीं पर भी खोलो, डायरेक्ट प्रोडक्ट खुल जाएगा। जैसे ही प्रोडक्ट खुल गया, आप ये प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, और फिर प्रोडक्ट आईडी मिल गया, तो प्रोडक्ट आईडी से भी आप पेयर कर सकते हो, जो मैं आगे बताऊंगा। ठीक ठीक, अनिल सर। सर जहां पे सर ये डिलीवरी लोकेशन होता है, उसके आगे सर वार्निंग करके हमेशा आता है क्या सर? ये मुझे थोड़ा सा क्लियर नहीं है सर। वार्निंग करके मुझे तो नहीं दिखा कहीं पर सर। आप अभी ओपन करें सर, मेरे में आ रहा है हमेशा ये वार्निंग, रिफ्यूजल ऑफ शिप अ प्रोडक्ट इन डिलीवरी लोकेशन सिलेक्टेड बाय द सेलर फॉर डायरेक्ट परचेज ऑफ दैट प्रोडक्ट विल बी कंसीडर्ड एज ए सीरियस ब्रांच ऑफ जनरल टर्म्स एंड कंडीशन। कहां पे देखो, कहां पे? और नीचे नीचे है सर। हाँ हाँ हाँ, ये एड स्लैब के नीचे जो ये वार्निंग है सर, ये रेड कलर की है, रेड कलर ये तो आपको बताएगा ना, जो इसमें क्या गलती होने से क्या हो सकता है, वो आपको इन्फॉर्मेशन के तौर पे सब बता रहा है। अच्छा सर, एक चीज और सर, जब मार्केट में सर जब आप प्रोडक्ट को कैटेगरी में डालते हैं, सर्च करते हैं, जब जैसे आपने स्ट्रीट लाइट सर्च किया, हाँ, तो सर जो लेफ्ट हैंड साइड में बहुत सारे फिल्टर जो आते हैं वो हमेशा नहीं आते हैं सर? सर ये डिपेंड अपॉन कैटेगरी, कैटेगरी में जो फिल्टर होगा वो उस कैटेगरी का वो फिल्टर आपको दिखेगा। अच्छा, बदल जाएगा, फिल्टर बदल जाएंगे सर्च करते ही, अगर उसमें होगा ऑप्शनल, बहुत सारे ऑप्शन होंगे तो फिल्टर दिख जाएगा सर, है ना? नहीं नहीं, आपको कैटेगरी चूज करना पड़ेगा पहले। पहला यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक तो लॉगिन होना चाहिए और दूसरा कैटेगरी होना चाहिए। जैसे मैंने माउस बोल के सर्च कर दिया, जैसे सर ने बोला था, अभी सर्च कर दूंगा तो मुझे कोई फिल्टर नहीं नजर आएगा क्योंकि मैंने कोई कैटेगरी चूज नहीं किया। पर जैसे ही मैं यहाँ पे कैटेगरी चूज कर लूंगा, अभी यहाँ पे था माउस एंड कीबोर्ड का कॉम्बो या ये वाला,
ये कैटेगरी मैंने चूज कर लिया, चूज करने के बाद ऑटोमेटिकली पूरे फिल्टर्स लिखने आ जाएंगे। ये कैटेगरी चूज होना चाहिए ओके सर, और लॉग इन होना चाहिए, ये दो ऑप्शन पे ध्यान दो तो आपका क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सर। सिंह सर बोलिए। सर ये अपने जैसे आप बता रहे थे जिम कैटेगरी से अगर अपना प्रोडक्ट निकल जाता है तो कैटेगरी मर्ज कर देते हैं, तो हम लोग ने प्रोडक्ट डाला हुआ है वो निकल जाएगा आपके प्रोफाइल से। हाँ तो प्रोडक्ट को वापस लिस्ट कैसे करेंगे फिर से, जैसे आप लिस्ट करते हो दूसरा प्रोडक्ट वैसे लिस्ट करना पड़ेगा। कौन से कैटेगरी में गया सर, कैसे पता? वो तो आपको पता करना पड़ेगा ना सर, जैसे अभी सर ने माउस का बताया था तो मैंने सर्च करके पता किया कौन से कैटेगरी अभी नया आया गया उसके रिगार्डिंग। अच्छा, और सर जैसे अभी जैसे हमारा कोई प्रोडक्ट है उसमें सिर्फ OEM ही इसमें जिम में है बराबर, लेकिन हमको पार्टिसिपेट करना है तो अपना तो कंपटीशन में इसमें तो जिम और नॉर्मल फिट लगा नहीं पाएंगे ना, तो जिम ही दे रहा है डायरेक्ट OEM से ले रहा है। OEM दे रहा है तो आप OEM से ही लेना पड़ेगा फिर उसको, प्रोडक्ट को आपको बेचने का परमिशन आप OEM से ऑथराइज करो, विदाउट ऑथराइजेशन फिर नहीं बेच सकते आप। ऑथराइजेशन मतलब वो OEM ऑथराइज जो होता है वो, हाँ OEM से ऑथराइज। सर उसके लिए ऑथराइजेशन मतलब अपन को उनका ऑथराइजेशन आईडी और वो सब लेना पड़ेगा ना। हाँ उनसे लेना पड़ेगा OEM से आपको। अभी कुछ क्वेरी है शेख सर बोलिए। माजिद शेख सर बोलिए। सर मैं उनको मैसेज भी दिया था, मेरा ओटीपी नहीं आ रहा था, जस्ट अभी 10 मिनट पहले ओटीपी आया, 10-15 मिनट पहले। अच्छा देखो सर ये ओटीपी आना और देखो ये नहीं आना ये सब केस कैसे होता है सर क्रिएट, ये हमारे हाथ में नहीं है। वो सर्वर का कोई प्रॉब्लम रहा तो हो सकता है कि नहीं, तो ये डिपेंड है कि अभी हम आप मुझे बोलेंगे ओटीपी लाके दो तो मेरे बस मतलब मेरा सर्वर तो है नहीं, मेरा मेल आईडी चल रहा सब लेकिन इसका ओटीपी नहीं आ रहा। अभी आप ओटीपी यदि आपके पास ओटीपी नहीं आ रहा है तो मुझे आईडी देंगे तो मुझे भी नहीं आएगा। अभी आया 3-4 गठे आगे एक ही बार, लेकिन कोई भी तो जेब में प्रॉब्लम होने की वजह से नहीं आ सकता है, उसके लिए आपको जब आएगा तभी आपको चलना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट का साइड है सर पहला समझ लेने का, तो हमको साइड में प्रॉब्लम्स होंगे, आपके दूसरे साइड का जैसा एकदम परफेक्ट चलेगा हमेशा इसका कोई गारंटी नहीं। तो हमको जेम के साइड के अकॉर्डिंगली चलना है, मैंने थोड़े देर पहले भी वही बात बताया, हम जेम को अपने अकॉर्डिंगली नहीं चला सकते। अर्नोवा टेक्नोलॉजी सर, सॉरी एक क्वेश्चन बोलिए। सर जो बायर है उसने इंसिडेंट को हमारे सीवियर कैटेगरी में डाला हुआ है, तो हम उसको बोल करके माइल्ड नहीं करवा सकते इससे? नहीं करा सकते सर, जो एक बार हो गया सो हो गया। अच्छा उसमें आप दूसरा कुछ नहीं कर सकते। ठीक है सर। राहुल सर का एक क्वेरी है, इंसिडेंट को अवॉइड करने के लिए डायरेक्ट परचेस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कैसे करेंगे? सर उसका क्लास अभी हुआ नहीं है, हम लोग जब ऑर्डर्स में जाएंगे तो मैं आपको सिखाऊंगा, सिर्फ क्वेरी आ रही थी इसलिए मैंने अभी तक आपको बताया, सभी आपकी क्वेरी का आंसर होगा बट अभी ओवरव्यू बता सकता हूँ, पर होता कैसे है ये पूछेंगे तो आपको थोड़ा क्लास का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी क्लास हमारी जस्ट चालू ही हुई है, 2 दिन का ही क्लास हुआ है, 3-4 दिन का क्लास बचा हुआ है, तो थोड़ा सा वेट कीजिए, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जैसे जैसे होगा वैसे वैसे आपकी मैक्सिमम क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। प्रतीक सर। सर मैंने एक प्रोडक्ट को लिंक किया था, हाँ तो मैंने उससे कम बिट किया, मतलब कि कम रेट डाला है, मैंने कोड भी किया उसमें आ भी गया, रेट अपडेट भी हो गया, बट रीसेलर में मेरा नाम नहीं आ रहा है, मतलब रीसेलर में दिखा रहा है कि मैंने इतना कम दिया है और क्वांटिटी भी मिनिमम और मैक्सिमम बता रहा है स्टॉक में कितना है, बट उसमें नाम नहीं आ रहा है। मतलब नहीं समझा मैंने, रीसेलर का नाम जैसे मेरा नाम आना चाहिए फॉर्म का वैसा नहीं आ रहा है।
नहीं कहाँ पे बात कर रहे हैं, किस जगह पे, वो मुझे पहले क्लियर कीजिए। जैसे मैंने मार्केट में सर्च किया आरजे उसको मैंने लिंक किया, मतलब वो ऑलरेडी अपलोडेड था प्रोडक्ट, उसको पेयर किया और पेयर करने के बाद मैंने रेट डाला जो कि मिनिमम रेट है अभी अभी के डेट में। उसमें अपडेट जैसे रीसेलर का डिटेल्स आना चाहिए ना, हम रीसेलर में जाते हैं कि कौन रीसेलर इसको बेच रहा है, कितने रीसेलर्स बेच रहे हैं, तो उसमें नाम नहीं आता है क्या रीसेलर का? आता है ना, कोई भी प्रोडक्ट पे आता है। अभी ये प्रोडक्ट खोलूंगा तो ये प्रोडक्ट पे जो जो बेच रहा है वहाँ पे आ जाता है व्यू सेलर डिटेल्स। अब ये प्रोडक्ट में सिर्फ एक ही लोग बेच रहे हैं तो देखो आ रहा है। सेलर का नाम कैसे आएगा सर? अच्छा, सिर्फ उसका इन्फॉर्मेशन मिलेगा आपको, डेटा तो कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ेगा ना सर उतना। नाम नहीं आएगा, इन्फॉर्मेशन पता चलेगा। थैंक यू सिंह सर। सर और एक और डाउट था, जैसे हम लोग ऑथराइज डीलर है तो सर अपन उसमें वहाँ पे अपन OEM आएगा हमारा कि रीसेलर आएगा? सर आपने यदि आप पहला बताओ ब्रांड आपका है? ब्रांड हमारा नहीं है। आपका ब्रांड नहीं है तो आपका फिर आप OEM कैसे बनोगे? जब आपका ब्रांड रहेगा तब आप OEM। यदि कोई प्रोडक्ट का ब्रांड आपका नहीं है तो आप रीसेलर होंगे ना। फ्रेंचाइजी लिए हैं तो आप फ्रेंचाइजी लिए हैं, दैट मींस क्या हो गया, आप किसी से लेके खरीद के बेच रहे हो ना, तो आप रीसेलर ही हो। सर अपन OEM का सर्टिफाइड मिलेगा ना? हाँ वो तो OEM मिलेगा, वो अलग बात हो गई, पर आप तो रीसेलर ही होंगे ना। OEM कौन होगा? जिसका ब्रांड है, जिसका खुद का मैन्युफैक्चरर है, खुद का प्रोडक्ट है, वो होगा OEM। हम यदि कोई प्रोडक्ट किसी से खरीद के बेच रहे हैं तो हम रीसेलर हैं। असल में हम लोग जैसे आगे OEM से डायरेक्ट किसी के पास आता है, फिर उस मतलब जो ब्लॉक में आता है, ब्लॉक के बाद हमारे पास आता है, तो हम लोग तब भी रीसेलर में ही आएंगे ना सर। प्रोडक्ट आप अभी अभी तक वही आप नहीं समझे, मैंने आपको क्या बोला कि यदि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर आप नहीं करते हो, आप किसी से खरीद के बेच रहे हो, खरीद से खरीद के फिर से आप बेच रहे हो, तो आप रीसेलर ही हुए ना। रीसेलर खरीद रहे हैं, रीसेल कर रहे हैं, रीसेल। रीसेल कब होगा? जब हम लोग कुछ खरीद के बेचेंगे तो हम रीसेल ही कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी कंडीशन हो। डायरेक्ट आप कंपनी से ही खरीद रहे हो तब भी रीसेल हो रहे हो, या फिर आप सबका एकदम नीचे नीचे लेवल से आके आप कोई आपके यहाँ पे जनरल स्टोर से कोई भी चीज खरीद रहे हो तब भी रीसेलर हो। अभी पार्ले जी का एक बिस्किट है, आप एक जनरल स्टोर से खरीद रहे हो और बेच रहे हो तब भी रीसेलर हो। डायरेक्ट कंपनी से खरीद रहे हो फैक्ट्री में जाके तब भी रीसेलर हो। बोलिए सर और किसका क्या डाउट है? तो फिर डाउट्स आप लोगों का क्लियर हो गया। अभी तक हम लोगों ने आपको क्या क्या बता दिया, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। हम लोगों ने अभी तक आपको बता दिया जेम के बारे में, जेम किस तरीके से काम करता है, डायरेक्ट परचेज कैसा होता है, L1 क्या होता है, बीड के कैसे टाइप होते हैं, और जेम में काम करने का प्रोसीजर, मतलब जेम का इंट्रोडक्शन, ये हमारा हो गया। रजिस्ट्रेशन हो गया प्रॉपर वे से, सेलर का रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, अभी तक सिर्फ सेलर का रजिस्ट्रेशन हुआ, उसके लिए क्या क्या गलती अपने को करना नहीं है, क्या क्या गलती को पहले चेक करना है, ये सभी चीजें हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे सीखा, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिर प्रोफाइल अपडेट कैसे करते हैं, कॉजन मनी के बारे में बताया है ना, और प्रोफाइल सेटिंग बताया मैंने आपको यहाँ से, अपना माई कंपनी बताया, उसके बाद पर्सनल सेटिंग और माई टीम, ये दो चीजें फिर से मैंने आपको कंप्लीट किया। इतना सभी चीजें हमारा हो चुका। और कैटलॉग में हम लोगों ने प्रोडक्ट को तीन तरीके से लिस्टिंग करने का तरीका बताया, उसमें से हमारा एक पार्ट कवर हो गया सिर्फ पेयरिंग, है ना, यहां तक हमारा कवर हो गया। अभी हम लोग आगे देखेंगे कैटलॉग में क्लोन और न्यू,
अब ये दो पार्ट और हम लोग आगे के क्लास में पढ़ेंगे, है ना। पेयर हम लोगों ने देख लिया, क्लोन और न्यू, अब ये चीजें हम लोग आज के क्लास में देखेंगे। उसके बाद एक एक करके क्लास सभी हम लोग आगे निकालते रहे। चलिए तो एक एक क्लास कंप्लीट करते हैं।